करीब 1800 बच्चों के भविष्य की दशा व दिशा तय करने वाले ऋषभ एकेडमी में घोटाले दर घोटाले की परतें खुलती चली जा रही हैं। एकेडमी के पूर्व संचालक रंजीत जैन ने जिन दो बड़े नाम मृदुल जैन व सुनील जैन को सारे घोटाले व हिसाब किताब के लिए जिम्मेदार बताया था, उनके खिलाफ पुलिस ने दोबारा जांच शुरू कर दी थी। सर्राफा कारोबार से जुड़े इन दोनों लोगों को सदर थाना पुलिस पूर्व पुलिस जांच अधिकारी ने 120B के दोनों आरोपियों को सांठ गांठ कर क्लीन चिट दे दी थी। आरोप लगाने पर एएसपी ने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही दोनों आरोपियों को क्लीन चिट देने वाले दरोगा गौरव राणा से भी जवाब तलब किया था। दरअसल करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति और दुधारू गायें समझी जाने वाली एकेडमी पर काबिज होने के लिए शुरुआती दौर से ही साजिश व षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। शतरंज जैसे सारे खेल में अभी पूर्व संचालक रंजीत जैन ने जिन दो बड़े नाम मृदुल जैन व सुनील जैन को सारे घोटाले में हिसाब किताब के लिए जिम्मेदार बताया था, सदर थाने के जांचकर्ता ने दोबारा क्लीन चिट दे दी है। जांचकर्ता फिर आरोपों के घेरे में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। वादी संजय जैन ने बताया कि इस प्रकरण में मैंने जो जांचकर्ता को बयान दिए थे अपनी चार्जशीट में मेरे वो बयान नहीं है, मेरे बयानों को घुमा फिरा कर सीडी लिखी गई है। सुनील जैन और मृदुल जैन को जांचकर्ता पूरा संरक्षण दे रहे हैं, साथ ही इसमें और व्यक्तियों के बयान लिए हैं। वे रंजीत जैन, सुनील जैन, मृदुल जैन के साथी हैं, अपनी चार्जशीट में गलत बयान लिखे हैं। नंबर एक पर शरद जैन खुद रंजीत जैन के साथी हैं और जेल में सजा काट रहे रंजीत जैन के पक्ष में मीडिया के सामने वीडियो में क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहे हैं। ये सब जो है क्या नाम है संजय जैन, अजय जैन और उनके कुछ राजेंद्र जैन, दिनेश जैन आदि कुछ लोगों ने साठ गांठ करके फर्जी दस्तावेज तैयार करके याचना भारद्वाज और रंजीत जैन को गिरफ्तार करा गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ अनियमितता नहीं हुई है, वहाँ किस तरीके की कोई अनियमितता नहीं हुई है, ये सब फर्जी दस्तावेज तैयार करे गए। हाँ जी, मैं रंजीत जैन को क्लीन चिट देता हूँ। दूसरे नंबर पर विजय जैन जो बयानों में बोल रहे हैं कि मैं मंदिर समिति में भंडारी के पद पर था, जब डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ कागजों में देखा तो वो कभी मंदिर समिति में भंडारी नहीं रहे, जो कि सतीश जैन नलवाली मंदिर समिति में 2018 से 2021 तक डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ कागजों में मंदिर समिति में भंडारी के पद पर हैं। तीसरे नंबर पर जिनके बयान लिए हैं दिनेश जैन, जो कि मंदिर समिति में रंजीत के समय पर पूर्व मंत्री रहे हैं, अपने बयानों में बताया है कि मंदिर समिति से 30 लाख रुपए इन्होंने स्कूल समिति को दिए थे। सीबीएसई बोर्ड में देने के लिए याचना भारद्वाज के लेटर पर जब रंजीत मंदिर समिति में अध्यक्ष पद पर थे और स्कूल समिति में मंत्री पद पर, यानी चारों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में था, लेकिन अब दो नए नाम शामिल हो गए थे, मृदुल जैन व सुनील जैन। रंजीत ने अपने बयान में इन दोनों को ही सारे घोटाले का जिम्मेदार बताया है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती, पुलिस को विरोधी पक्ष द्वारा कुछ ऐसे पेपर उपलब्ध कराए गए हैं जिन्होंने रंजीत जैन के उन आरोपों को हवा दे दी है, जिसमें सारे लेनदेन व घोटालों के लिए मृदुल जैन व सुनील जैन को जिम्मेदार बताया गया है। इन पेपर के मुताबिक ऋषभ अकेडमी के लिए 633 वर्ग मीटर जमीन खरीदी गई। इसके लिए ऋषभ अकेडमी के खाते से 1,16,00,000 रुपए तरुकुंज निवासी राकेश गुप्ता को दिए गए। कैंट में भूमि का बैनामा नहीं कराया जा सकता, लिहाजा इसकी एक पावर ऑफ अटार्नी बनाई गई है। यह पावर ऑफ अटार्नी दिलचस्प रूप से मृदुल जैन व सुनील जैन के पुत्र विकास जैन के नाम से लिखा ली गई, यानी पैसा अकेडमी का और मालिक बन गए मृदुल जैन के साथ सुनील जैन का बेटा विकास जैन। वादी पक्ष संजय जैन का कहना है कि ये एक संगठित गिरोह है, पुलिस लगातार इनको बचाने में लगी है। अगर जांचकर्ता आरोपियों के नाम अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए निकलेंगे तो इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की जाएगी और उच्च न्यायालय में भी अपना पक्ष रखूंगा।